नमस्ते, मैं सोनाली। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम 34 चेस्ट साइज का स्लीवलेस ब्लाउज का कटिंग देखने वाले हैं। इसका फ्रंट जो है 3 पीस प्रिंसेस कट रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसकी वजह से आपको पूरी चीज़ें ध्यान में आ जाएगी। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है। अस्तर का फैब्रिक जैसे ही डबल फोल्ड होता है तो वैसे ही रखा है मैंने, और नीचे से अस्तर मैंने एक लाइन खींच के स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे हम मेजरमेंट्स डालना स्टार्ट करेंगे, तो मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। तो इसकी जो हाइट है ब्लाउज की, लेंथ 13.5 इंच है, तो इसमें मैंने 1 इंच बढ़ाया है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे शोल्डर, तो यहाँ पे मैं शोल्डर डालूंगी 4.5 इंच पे। और नेक विड्थ जो है हमें 2 इंच लेनी है, क्योंकि डीप नेक है, इसकी वजह से हम नेक विड्थ कम लेते हैं। इसकी वजह से शोल्डर गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और आगे आपको जितनी भी शोल्डर पट्टी चाहिए तो उसके हिसाब से हम शोल्डर कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक विड्थ 2 ही रखनी है, अगर 8 से ज़्यादा आपका बैक नेक रहेगा तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे डाला है शोल्डर, क्योंकि मुझे शोल्डर पट्टी जो है 2.25 या 2 इंच चाहिए इसकी वजह से। उसके बाद मैं यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्किंग करूंगी। तो जैसे कि हम 34 चेस्ट के लिए डीप नेक में 5.5 इंच पे आर्म होल डालते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, उसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का मार्किंग के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारी चेस्ट रहेगी उसका 1/4 पार्ट लेना है, और उसके आगे हमें 1.5 इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, ये होने के बाद हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर के लिए भी हमें वैसे ही मार्किंग करना है, जितनी भी आपकी कमर रहेगी उसका 1/4 पार्ट लेना है। उसके आगे हमें बैक साइड में जो टक्स जाता है उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए, जो कि हम टक्स डालते हैं। और उसके आगे हमने जितना भी चेस्ट में स्टिचिंग मार्जिन लिया है उतना ही हमें कमर में लेना है। ठीक है, तो ऐसे मैंने मार्किंग किया। उसके बाद हम यहाँ पे साइड फिटिंग के जो 2 लाइन्स है वे ये मैं ड्रॉ कर लूंगी। उसके बाद बैक साइड का जो हमें आर्म होल ड्रॉ करना है यहाँ पे, तो मैंने 1/4 इंच पे मार्क किया और बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ किया है। उसके बाद हम यहाँ पे ये मेजर कर लेंगे कि हमारा जो आर्म होल है जितना चाहिए उतना आ रहा है। 34 चेस्ट के लिए 14 या 15 हमारा आर्म होल रहता है, साइज के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। तो इसकी वजह से मेरा यहाँ पे 15 था, तो 7.5 यहाँ पे आर्म होल राउंड आ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैक साइड का जो टक्स है वो डाला है बीच में से, सेंटर से 4 इंच पे, और इसकी हाइट डाली है 4.5 इंच पे, मतलब पूरी 5 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करके। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैक नेक जो है वो ड्रॉ किया है, तो नेक विड्थ ली है 2 इंच और नेक हाइट है उसमें 0.5 इंच प्लस किया है, और ये स्क्वायर बना लिया है। जो भी आप चाहते हैं वो नेक यहाँ पे डाल सकते हैं, मैंने राउंड शेप ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी ये बैक साइड का हमारा ड्राफ्टिंग हो चुका है, मैं ये कट कर लेती हूँ। अब ये बैक पार्ट का कटिंग होने के बाद हमें यहाँ पे नॉचेस देने हैं, ताकि ये नॉचेस की हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करने में इसकी सहायता हो। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो हमने बैक पार्ट ड्राफ्ट किया हुआ है और जो कट किया हुआ है, फ्रंट पार्ट के लिए हमें ये बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, मतलब 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो इसके लिए मैं बैक पार्ट पे ही बेल्ट के लिए निशान लगाऊंगी। क्योंकि क्या होता है, तो हमें यहाँ पे फ्रंट साइड में कितनी हाइट हमें लेनी है बेल्ट छोड़ के, इसका हमें अंदाजा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नीचे से 2 इंच पे मार्किंग किया, तो हमें 12.5 इंच पे हमें फ्रंट साइड की हाइट मिली है, जो कि हमारा बेल्ट के ऊपर का पोर्शन रहता है। तो मैंने यहाँ पे मार्क किया। और दूसरा स्टेप भी हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं, बैक साइड में से हमें जितना बेल्ट बनाना है उतना पार्ट फोल्ड करना है और उतना हमें निशान डालना है। तो मैंने यहाँ पे वही किया कि बैक पार्ट पे योग पट्टी का निशान लगाया और वो फोल्ड किया, और जो भी हमारा बैक पार्ट हमने कट किया था वो जैसे है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे फ्रंट नेक। जितना भी आपका फ्रंट नेक रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच ऐड करना है और उतनी लेंथ डालनी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शोल्डर पे जो नेक विड्थ ली है वो 2 इंच है, नीचे मैंने 2.5 इंच पे नेक विड्थ ली है, तो ये बॉक्स
करके मैंने यहाँ पे फ्रंट नेक का शेप दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर था आर्म होल का, वहाँ से मैंने 1.25 इंच पे मार्किंग करके फ्रंट आर्म होल का शेप दिया है, जैसे कि बैक आर्म होल से 1/2 इंच अंदर आके ऐसा शेप दिया हुआ है। उसके बाद हम जो हमारी आई पट्टी रहती है वहाँ से मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग किया, 4 इंच पे, ताकि हमें ये टक्स पॉइंट मिल जाए इसकी वजह से। और शोल्डर से मैंने यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्किंग किया, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है 10 इंच पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने मार्किंग किया हुआ है वहाँ से हमें आर्म होल तक एक प्रिंसेस कट का शेप देना है। ठीक है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे टक्स की लेंथ लेनी है 1.25 इंच और ऐसे यहाँ पे ये कर्व दे देना है प्रिंसेस कट का। ठीक है, और एक नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ आर्म होल की तरफ से। मैंने यहाँ पे क्या किया, आर्म होल की तरफ से 2 इंच पे एक निशान लगाया और वहाँ पे दोनों साइड से 1/4 इंच पे एक मार्किंग किया, ताकि ये 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा जो टक्स हैं वो निकाल देते हैं, ताकि इसकी वजह से हमारा जो पफ है फ्रंट साइड का वो बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिएगा, शायद आपका ब्लाउज अच्छा हो बेल्ट वाला प्रिंसेस कट। और उसके आगे हमें यहाँ पे जो कर्व जो अटैच करना है उसके लिए हमें मार्जिन लगेगा, उतना मार्जिन मैंने आगे लिया है। तो बॉटम में भी मैंने 1.25 इंच हमने जितना मार्जिन लिया है उतना बढ़ाया है, और उसके आगे मैंने 1 इंच बढ़ाया है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फ्रंट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। और एक बात यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई पट्टी जो है उसकी तरफ से मैंने 1.25 इंच ऊपर लेके एक कर्व शेप दिया है। किसकी वजह से, ताकि हमारा जो बेल्ट है, बेल्ट के लिए भी हम यहाँ पे कर्व ऐसा ही देंगे। और कमर की तरफ से मैंने यहाँ पे फिटिंग की बाजू की तरफ से भी मैंने यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर आके छोटा सा कर्व लगाया है, तो इसकी वजह से हमारा जो पफ है वो अच्छी तरह से उठता है। तो ये आप चीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे हमारा प्रिंसेस कर्व अटैच होगा और उसके नीचे हमें बेल्ट लगाना है। ठीक है, तो अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पे। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये कपड़ा लिया है, डबल फोल्ड है, तो हमें 2 बेल्ट निकालने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, हाइट के लिए जितना हमने माइनस किया था उतनी हाइट लेनी है बेल्ट की। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे हाइट के लिए 2 इंच पे मार्किंग किया, और विड्थ पे मैंने यहाँ पे बैक का जितना कमर का मार्किंग है उतना विड्थ के लिए लिया है। ठीक है, पहले 2 इंच पे एक मार्किंग किया, उसके आगे हमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया हुआ है। उसके बाद हम किसी एक तरफ से हमें 1/2 इंच ऊपर आना है और ऐसा बेल्ट का शेप दे देना है, जैसा हमने आई पट्टी के लिए दिया है फ्रंट पार्ट में, आई पट्टी के यहाँ पे दिया है वैसा ही यहाँ पे शेप देना है। ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट भी हो चुकी है। अब हम इसको पूरे कपड़े पे कट कर देंगे। ठीक है, मेन फैब्रिक भी हमें डबल फोल्ड लेना है सीधी तरफ, और जो हमारी क्लोज साइड रहती है उसके ऊपर हमें बैक साइड रखनी है। अगर आप फ्रंट ओपन रख रहे हैं और फ्रंट ओपन रख रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही कट करना है, और अगर आप बैक ओपन कर रहे हैं तो आपको फ्रंट साइड भी जो है वो आपको बंद बाजू की तरफ से ही कट करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं पूरा कट कर लेती हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही, इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चले मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।